शाह अली साहब को ही आपके सामने पेश कर रहा हूँ और आप उन्हें सुने, जब तक सुनना चाहते हैं सुने, आप अपना जी भर लें और उसके बाद अगर आप हमारा साथ देंगे तो मुझे खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम। आप एक घंटे घंटे लगा रहे हैं तो एक घंटे की तरह आपको सुनना भी पड़ेगा। और मैंने सलाम किया था, सलाम का जवाब भरपूर आया नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वाह ऐसा लगा, अभी लगा कि आप लोग सुनने के मूड में बैठे। बहुत अच्छा मुशारा चल रहा है और अपने बड़े भाई मंदर साहब इस मुशायरे को लेकर चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया इनका, मुझे जहां भी लगाया मौके से लगाया। बहुत शुक्रगुजार हूं अपने शहर वालों का। आइए, लोगों की फरमाइश है और मुशायरा कमेटी का हुक्म है कि आप नए कलाम से शुरू करें। मैं पेश करता हूं। वाकई लगना चाहिए कि दोस्तों आप मूड पर बैठे हैं, सुनने के मूड में बैठे हैं, ताकि मैं बिल्कुल मूड में आकर पढ़ सकूं। पेश करता हूं एक खूबसूरत सा मतला और शेर। एक आपके भाई के की तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप जरा सा बैठ जाए तो बहुत अच्छा होगा। बस बस जी, बैठ जाए दोस्तों, बैठ जाए। देखिए, यहीं से मुशायरे को मुशायरा आप बनाए। मुशायरा बनाना आपका काम है और शायर का काम है मेहनत करना, अच्छे शेर आप तक पहुंचाना। जरा सा आप बैठ जाए भाई, पेश करता हूँ दादा जी। सितमगढ़ क्या नजर आया, सितमगढ़ क्या नजर आया। जैसे ही शेर मुकम्मल हो जाए आपकी भरपूर तालियां हो इस शेर पे। बतौर खास, सितमगढ़ क्या नजर आया मेरी वीरान आंखों में, सितमगढ़ क्या नजर आया मेरी वीरान आंखों में, तेरी तस्वीर रख सारे दोस्तों। आपने साबित कर दिया कि आप शायरी सुनते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। एक बार इस मुशायरा कमेटी के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। बहुत शुक्रिया। और इस औरंगाबाद के नौजवानों का भी बहुत शुक्रिया, उन लोगों का, इस छोटी सी टीम का या बड़ी सी टीम का, मुझे भी एक हिस्सा बनाया। बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। खालिद भाई, इस मुशायरे को कामयाब करने में सबसे बड़ा हाथ सामईन का है, दूसरा आप तमाम शोरा का है, तीसरा माइक वाले का भी है। माइक भी बहुत अच्छा चल रहा है, ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बहुत शुक्रिया। अगर आप जी शमीम भाई, आपके माइक पे जितनी भी एनर्जी है आप बढ़ा दीजिए, आवाजें आवाज बढ़ा दे, बेस बढ़ा दे, इको बढ़ा दे, सब बढ़ा दे। पेश करता हूँ नजर मैं, सितमगढ़ क्या नजर आया मेरी वीरान आंखों में, तेरी तस्वीर रख सा रहती है हर आन आंखों में, किसी के घर के बटवारे की चौकी बात आती है, किसी के हिंदुस्तान आंखों में, सितमगढ़ क्या नजर आया मेरी वीरान आंखों में, मेरी वीरान आंखों में।
आप बैठ जाए, देखिए मैं भी बहुत मूड बनाकर खड़ा हुआ हूँ, मेरी इज्जत आपके हाथ में है, अगर आप सलीके से सुने तो मैं सलीके से शेर आप तक पहुँचा सकूँ। बहुत शुक्रिया अदा था, बैठ जाए, पेश करता हूँ शेर। आप बिल्कुल मूड में हैं, आप बेदार हैं, शेर पेश करता हूँ। सितम गए क्या नजर कोई सूरत नहीं भाती, कहीं भी जी नहीं लगता कोई सूरत नहीं भाती। आप हमके बताना, आपके लिए पढ़ रहा हूँ। कहीं भी जी नहीं लगता कोई सूरत नहीं भाती। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उधर ही पढ़ रहा हूँ, आप भी अगर सुन रहे हैं तो आप भी मेरा साथ दें। ऐसा न हो कि आप पे ये भारी हो जाए और ऐसा न हो कि आप पे ये भारी हो जाए, दोनों लोग जुड़ के सुने। पता हो नजर आया कहीं भी जी नहीं लगता कहीं भी जी नहीं लगता कोई सूरत नहीं भाती कहीं भी से आकर अज नबी मेहमान आंखों में बसा है। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे खालिद भाई, क्या कहने, जवाब नहीं, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब वाकई आप लोगों ने मूड बना दिया, अब सोचता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी खिदमत कम से कम एक घंटे करके ही जाऊँ, तो बस आप जरा सा इसी तरीके से जुड़े रहे, पेश करता हूँ दादा मैं। समझ नहीं रहे, अगर इसी में रह गया तो दूसरा वाला आएगा नहीं, तो बात समझे आप। एक जगह ऐसे ही ने को इन्होंने उतारा था तो लोगों ने कहा अच्छा लग रहा था, इन्होंने कहा कि अरे भाई खतने के बाद भी इसी तरीके से पिनाया जाता है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सितम गए कहीं भी जी नहीं लगता नहीं भाती कहीं भी जी नहीं लगता कोई सूरत नहीं भाती कहीं भी जी नहीं लगता कोई सूरत नहीं भाती बसा है जब से आकर अज नबी मेहमान आंखों में बसा है जब से आकर अज नबी मेहमान शुक्रिया हरदने आपका। आइए एक मतला और चंद शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप आगे बैठे हैं बहुत कंजूसी से काम ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान अब बिल्कुल बैठा हुआ है और आप चाइनीज लोग हैं जो उर्दू जानते ही नहीं। अगर आपको अल्लाह ने जबान दी है तो आप सॉरी आप वाह वाह कह सकते हैं, पदा में हाथ उठाकर अपने छोटे भाई को हौसला दे सकते हैं, सुभान अल्लाह भी कह सकते हैं। डाइल वाले लोग को भी मैं होशियार कर दिया, कंजूसी से काम नहीं चलने वाला, पेश करता हूं मतलब। मेरे दुश्मन की साजिश में बिल्कुल खतरनाक सा मतला है, लगे कि दिल वाले लोग बैठे हैं, दिलदारों की बस्ती में बतला पेश करता हूँ दादा मैं। मेरे दुश्मन की साजिश में कहीं शामिल न हो जाए, मेरे दुश्मन की साजिश में कहीं शामिल न हो जाए, मेरे दुश्मन की साजिश में बहुत खूब, बहुत खूब।
जी खालिद भाई अराकीन मुशायरा में ये आगे आगे रहने वालों में से है, बड़ी मेहनत की है इन्होंने। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मिसले की खालिद की जी, बहुत शुक्रिया बहुत। मेरे दुश्मन की साजिश में कहीं शामिल न हो जाए, मेरे दुश्मन की साजिश में समझते हैं अपने आप को। जब मैं पीछे घूमता हूँ तो ये हाथ ऐसे उठाते हैं कि हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप साथ दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। शेर पेश करता हूँ बतौर खास बुला किसी सूरत बचाया अपने इस छोटे भाई को, मैं कौन सी बात कहने वाला हूँ, पेश करता हूँ शेर मुलाजम। मैं पता किसी सूरत बचाया हवा दी से, किसी सूरत बचाया बहुत अच्छे भाई, वाह बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोग शायरी सुन रहे हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने साबित कर दिया कि ये उर्दू वालों का शहर है, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ जी जी नाय किसी सो ऐसा ना करें, बड़ी मुश्किल से कोई प्रोग्राम सजता है दोस्तों जी। पढ़ता हूँ अगला सब बैठ जाए या खामोशी के साथ आप सुने मुशायरे को, प्लीज आप खराब जी। बहुत शुक्रिया। मेरे दुश्मन फकत मैं इसलिए तुझको मुसलसल याद और पूरे शहर शहर मऊ के नौजवान, शेर पेश करता हूँ राजा जी। इनायत फकत में इसलिए तुझको मुसलसल याद करता हूँ, मुसलसल याद करता हूँ। देखिए मैं बहुत चाह नहीं रहा था कि मैं जाऊं, लेकिन ये ऐसा माहौल बना दिया आप लोगों ने कि जाना पड़ा। बहरहाल
आप गीत सुनना चाहते हैं, गीत भी पढ़ूंगा मैं, लेकिन जरा सा दिलजमाई बहुत बहादुरी से सुन भी रहे थे। आइए एक गजल का मतलब और पढ़ता हूँ। एक नाम है ऐसा जो आजकल, जी मैं पढ़ूंगा, पेश करता हूँ मुलादा खान, बैठ जाए। से आसे गुंडों ने गुजरात में वो काम किया, सियासी गुंडों ने गुजरात में वो काम किया, वो काम किया। बढ़ जाए, सुनो दोस्तों। शहर महुनाथ भंजन के हवाले से 2005 में नजर में रखते हुए मिला बच्चों के लिए पढ़ता हूँ। मनाया जश्न शहीदान गम की लाशों पर, मनाया जश्न शहीदान गम की लाशों पर, इन्हीं के खून से रोशन चरागे शाम किया, चरागे शाम किया, इन्हीं के खून से रोशन चरागे शाम किया, शाम किया। कहता है गीत सुनना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से ये मुशायरा फिर बन गया जो पहले बना हुआ था।